चीन और भारत के बीच पिछले कई सप्ताह से चले आ रहे तनाव को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। सोमवार की रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक बार फिर हिंसक झड़प हुई, जिसमें 3 भारतीय जवान शहीद हो गए, जबकि 5 चीनी जवान भी मारे गए हैं और 11 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों ही सेनाओं के बीच यह झड़प गलवान घाटी में हुई, जिसके बाद दोनों ही देशों के अधिकारी इस मामले को सुलझाने के लिए घटनास्थल पर बैठक कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि दोनों ही सेनाओं के बीच लाठी और डंडे भी चले। भारत के साथ साथ चीन के 5 सैनिकों की मौत हुई है और 11 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि चीन की तरफ से उसके सैनिकों के मारे जाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भारत की तरफ से उच्च सूत्रों ने बताया कि इस घटना में चीनी पक्ष की तरफ से कम 3 से 4 जवान हताहत हुए हैं। राजनाथ सिंह ने विस्तृत प्रतिक्रिया और रणनीति बनाने के लिए आज CDS सेना प्रमुख और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक की। इसके साथ ही सुबह 7:30 से दोनों पक्ष के बीच मीटिंग चल रही है। भारतीय सेना की तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद चीन की तरफ से मीटिंग की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट।